Hello and welcome to BQ Prime. Joining us on the show today is Honorable Health Medical Minister at Madhya Pradesh joining in. Welcome to the show, sir. मेरा पहला question है, Heal in India की हमने अच्छी बात की, अभी overall medical institution और उसके साथ हम जो जोड़ रहे हैं कि हम supply chain भी constant करेंगे और उसके अंदर हम जो PPP model लाने की बात कर रहे हैं, तो overall उसके लिए हमें किस हिसाब का funding चाहिए रहेगा? देखिए, हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया मोदी जी का एक ऐसा नारा है जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। हील इन इंडिया का मतलब है कि हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दें, क्योंकि हिंदुस्तान उसके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। हमने ये कहा है मोदी जी के इस नारे को और मजबूत करते हुए कि हील इन हार्ट ऑफ इंडिया, हम मध्य प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को आगे बढ़ाएं। उसके साथ ही हील बाय इंडिया का मतलब है कि हम हमारे हेल्थ से जुड़े हुई जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ऐसा तैयार करें कि वो दुनिया में जाकर रोजगार ले सके। मध्य प्रदेश में हमने लगातार मेडिकल कॉलेजेस का उन्नयन किया है, सीट्स बढ़ाई हैं, हर तरह के जो हमारा एकेडमिक्स है उसको उन्नयन के लिए, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके उन्नयन के लिए काम किया है। हमने नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की जिसके माध्यम से हम लगातार बड़े बड़े संस्थान के साथ एमओयू कर रहे हैं। हमें अभी एमरी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया, हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो एफडीआई आ सकता है ये क्षेत्र में, तो उस पे हम पार्टनरशिप्स भी करने के लिए ओपन हैं। पीपीपी मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज लाने का हमने एक योजना बनाई है और उसमें बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, क्योंकि पीपीपी मॉडल में निश्चित रूप से दो चीज़ों की बहुत कमी आएगी। एक तो समय बचेगा, क्योंकि हम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको प्राइवेट पार्टी को देंगे, और दूसरा उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। वो प्रोजेक्ट जो 500 करोड़ पर जाता है वो 250 करोड़ पर आएगा, तो इसमें बहुत इंक्वायरी है। मुझे लगता है ये एक सफल हमारा प्रयास रहेगा। राइट, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमेशा मेडिकल एजुकेशन में सीट्स की कमी होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, सीट्स कमी होती है। मोदी जी ने इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो इसकी योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज है, 12 पाइपलाइन में है, और पीपीपी मॉडल पर हम और मेडिकल। और इसमें अगर हाइब्रिड एजुकेशन लाया जाए कि यू नो 50% हाइब्रिड में पढ़ सके, 50% फिजिकल में, तो उससे कैपेसिटी भी बढ़ पाएगी। देखिए, ये पूरा का पूरा विषय एनएमसी का है, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि डॉक्टर्स का निर्माण हो, संख्या उसकी अच्छी रहे, पर उसके साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इट्स ऑल सब्जेक्ट ऑफ एनएमसी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। नमस्कार।